Isha Sharma, a 10th class girl from the village Dhanori of district Udhampur, has won the bronze medal in National Taekwondo Championship. The championship was organized by Bharatiya Vidya Sansthan at Bhopal in Madhya Pradesh. Isha's father is a driver and mostly stays away from her home. Her mother works as a housewife. मेरा नेशनल में ब्रॉन्ज आया जिसकी वजह जो हमारे विद्या भारती की तरफ से गेम्स थी वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज आया और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी गेम जो मेरी गेम है और वहाँ उस गेम में सभी लड़कियाँ आएँ और ज़्यादा टाइक्वांडो सीखें क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो है आजकल बहुत ज़रूरी हो गया. ईशा इज द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू विन द ब्रॉन्ज मेडल एट द नेशनल लेवल. अर्लियर शी हैड वॉन गोल्ड मेडल इन द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन. सोसाइटी में आजकल एक इमेज लड़कियों की ऐसी बनी हुई है कि लड़कियों को शक की निगाह से देखा जाता है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, बाहर आती हैं तो सोसाइटी के लोग इस तरह का उनके ऊपर एक मतलब कि देखेंगे कि जिस तरह से लड़की घर से बाहर निकलना एक मुश्किल काम हो जाता है लड़की के लिए. तो सर हम इसलिए बच्चियों को स्पेशली सर टाइक्वांडो इसलिए बोलते हैं प्रेफर करते हैं कि बच्चों को टाइक्वांडो सिखाना चाहिए क्योंकि लड़कियाँ खुद अपना एक सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं और इसकी वजह से सर जिस तरह से इस गांव की बच्ची ईशा शर्मा इनके घर वालों को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ. इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमें स्कूल को सभी को और इस लड़की ने क्षेत्र लेवल से होकर के नेशनल लेवल तक जाके वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए. जी सर ये विद्या भारती समिति की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि ये पहली ऐसी लड़की है हमारे जे एंड के स्टेट से जिसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है यहाँ से.